छत्तीसगढ़ की 36 खबर सुपर फास्ट अंदाज में देखने का, तो सीधे रुक करते हैं रानी का, जो आपको दिखाएगी छत्तीसगढ़ की 36 खबर सुपर फास्ट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें मंगलवार को रायपुर जिला कोर्ट में पेश किया गया। यहां उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि नंद कुमार बघेल ने जमानत लेने और वकील रखने से मना कर दिया है। सीएम के पिता पर ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान देने का आरोप है। कोरोना से उभरने के बाद छत्तीसगढ़ में भर्ती प्रक्रिया तेजी से होती दिख रही है। सरकार के 3 विभागों में 2,492 पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसमें बस्तर फाइटर्स नाम से बनाए जा रहे पुलिस बल में ही 2100 भर्तियां शामिल है। गृह विभाग ने आज इस बल के गठन को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार जिला मुख्यालयों में पहले से संचालित शासकीय बहुउद्देशीय हायर सेकेंडरी स्कूलों को ही स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल के रूप में विकसित करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर 1 सप्ताह के भीतर प्रस्ताव मंगवाया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मंगलवार को रामकृष्ण केयर अस्पताल पहुंचकर वहां भर्ती डॉक्टर मनोज लाहोटी से मुलाकात की। एक मामले की पेशी के लिए 4 सितंबर को राज्य महिला आयोग गए डॉक्टर लाहोटी को आयोग अध्यक्ष के पीए ने पीट दिया था। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी ने अपने एक बयान से फिर से प्रदेश का सियासी पारा हाई कर दिया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में उन्होंने कहा है कि पार्टी विलय की कोई चर्चा किसी से नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर इन दिनों स्कूल जा रहे हैं। यहाँ बच्चों के माँ बाप ही उन्हें अरपा नदी पार कराते हैं, जिसके बाद बच्चे स्कूल पहुँचते हैं, जबकि गांव में स्कूल तक जाने दूसरी तरफ से पुल भी बनवाया गया है। इसके बावजूद शॉर्टकट के चक्कर में कई बच्चे रोज करीब 350 मीटर नदी पार करते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सोमवार देर रात तेंदुए ने एक महिला को मार डाला। महिला घर से जैसे ही बाहर निकली, तेंदुआ उसे घसीटता हुआ ले गया। शोर सुनकर परिजन और आसपास के लोग बाहर निकले, लेकिन तब तक महिला को तेंदुआ ले जा चुका था। अगले दिन सुबह महिला का शव घर से 5 किलोमीटर दूर बुरी हालत में मिला। बिलासपुर में वायरल फीवर का संक्रमण फैल गया है। इसके मरीजों की संख्या पिछले 2 हफ्तों से लगातार बढ़ रही है। सिम्स और शहर के सभी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक में बुखार, सर्दी, खांसी, गले में दर्द के मरीजों की कतार है। डॉक्टर कहते हैं कि सितंबर से वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय मौसम न सर्द रहता है न गर्म। छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की जान ले ली। आरोपी ने मां को इसलिए मार डाला क्योंकि वो उसे घूमने फिरने के बजाय काम करने के लिए कहा करती थी। इसी बात से गुस्से में आकर उसने अपनी मां को कमरे में बंद कर मारपीट की। इसके बाद इलाज के दौरान अस्पताल में महिला की मौत हो गई। पूरा मामला करेली बड़ी चौकी क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के एक विधवा महिला से शिक्षा कर्मी वर्ग 1 का टीचर बनाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने महिला से अलग अलग बार में कुल 5,30,000 रुपए अपने खाते में जमा कराए थे। इसके बाद फरार हो गया, जिस पर महिला ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी ने परिचारक के पदों को दुगुना कर दिया है। कंपनी ने संशोधित विज्ञापन जारी किया है। इसमें 3,000 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया है। पहले केवल 1500 पद विज्ञापित किए थे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद बिजली कंपनी में पहली बार एक साथ इतनी अधिक संख्या में इन पदों पर नियमित भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला अस्पताल में अव्यवस्था का आलम अब तक सुधरा नहीं है। कभी इलाज की सुविधा नहीं मिल पाने के कारण कोई व्यक्ति अपनी जान गंवा बैठता है, तो कभी मरीज की स्थिति गंभीर हो जाती है। असुविधा को उजागर करता एक मामला फिर से सामने आया है, जिसमें एक मरीज को ब्लड नहीं मिलने से राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ा। जिला खनिज न्यास के विवाद में केंद्र सरकार की जिद के आगे छत्तीसगढ़ सरकार झुक गई है। सरकार ने डीएमएफ के अध्यक्ष पद से प्रभारी मंत्री को बाहर कर दिया है। अब तक पदेन सदस्य सचिव रहे कलेक्टर को अब अध्यक्ष बना दिया गया है। भारत शासन द्वारा रायपुर जिले के अरवा राइस मिलर्स के माध्यम से 2 लाख मीट्रिक टन धान को फोर्टिफाइड राइस के रूप में जमा करने का लक्ष्य को पूरा करने के लिए कलेक्टर रायपुर
सौरभ कुमार ने 119 राइस मिलर्स के मिलिंग क्षमता अनुसार न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित करते हुए 20 सितंबर 2021 तक चावल जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। मिलर्स द्वारा आदेश का पालन न किए जाने पर छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग आदेश के तहत सचिव खाद्य द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन किए जाने मानकर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गृह राजस्व तथा खाद्य विभाग के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अनुमति जारी करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उनके इस निर्देश के बाद कुल 2,492 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। श्री बघेल ने इन विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से संबद्ध कॉलेजों में दाखिले के लिए तिथि बढ़ाई गई है। इसके अंतर्गत 6 मार्च से 10 सितंबर तक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। 11 सितंबर को कॉलेजों में मेरिट सूची जारी होगा और 17 सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सुप्रीमो व कोटा की विधायक डॉक्टर रेणु जोगी के राजनीतिक बयान से प्रदेश की राजनीति सरगर्म हो गई है। पार्टी के तीन विधायकों के भाजपा व कांग्रेस से बढ़ती नजदीकियों का खुलासा कर चौंका दिया है। डॉक्टर जोगी ने कहा कि जकांश के वरिष्ठ विधायक धर्मजीत सिंह की भाजपा के प्रति रुचि बढ़ रही है। हालांकि धर्मजीत सिंह ने डॉक्टर जोगी के बयान को उनका अपना निजी विचार करार दिया है। राजधानी के एक थाने में लंबे समय तक पदस्थ रहने वाले थानेदार को गुरूर हो गया कि उनके आगे कोई नहीं है। वे अपने आप को वरिष्ठ समझने लगे और अफसरों के निर्देश भी सिरे से खारिज करने लगे। थाना प्रभारी के इस रवैये से परेशान होकर वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका तबादला दूसरे थाने में करा दिया। इस तबादले के बाद भी थानेदार का गुरूर नहीं टूटा और वह बिना केस दर्ज किए अपने कैबिन में शिकायतों का निराकरण करने की प्रक्रिया को अंजाम देते रहे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मीडिया प्रमुख मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष पूर्व उप महापौर तथा वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल अहमद रिजवी ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद करने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2004 से नियुक्ति पाने वाले शासकीय कर्मचारियों की पेंशन बंद करना एक अमानवीय निर्णय है। इससे सेवारत कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। शिवसेना की युवा इकाई युवा सेना द्वारा स्वास्थ्य मंत्री टीएससी देव को अस्थायी कोविड-19 के कर्मचारियों को निरंतर कार्य पर रखने एवं उनकी सेवा पुनः बहाल किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। युवा सेना संयुक्त प्रभारी प्रफुल्ल साहू ने बताया कि कोरोना काल के दौरान कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जिन अस्थायी कोविड-19 कर्मचारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा की, वर्तमान में कोरोना दर कम होने पर अब उनकी सेवा समाप्ति चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। राजधानी रायपुर के हाईवे और सर्विस रोड पर लगने वाली गाड़ियों की कतारों और शहर के मुख्य बाजारों में सड़कों पर होने वाले कब्जे से आम उपभोक्ता परेशान हो गए हैं। कारोबारियों के साथ ही शहर के प्रबुद्ध नागरिकों का भी कहना है कि इस मुसीबत से छुटकारा तभी मिल सकता है जब पुलिस विभाग और निगम दोनों मिलकर कार्रवाई करेंगे। एक के बाद एक आई कोरोना संक्रमण की दो लहरों ने जहां पड़ोसी जिलों से लेकर रायपुर बिलासपुर व दुर्ग तक हालात बेकाबू होने लगे थे, इस मुकाबले में कोरबा शुरू से आखिर तक डटा रहा और कामयाबी भी हासिल की। इस भीषण संकट से कोरबा अगर समय रहते निपट सका तो उसके पीछे संकट में संजीवनी बने जिला खनिज न्यास के योगदान को झुठलाया नहीं जा सकता। डीएमएफ से मिली महत्वपूर्ण मदद ने हमें इस लंबी लड़ाई में बनाए रखा। दो लहरों को मात दे चुका कोरबा अब कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने पूरी तरह तैयार और स्वयं सक्षम नजर आ रहा है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को अब एक खास तरह का रोबोट कम करेगा। रोबोट कोरोना पेशेंट का टेम्परेचर, बीपी, शुगर, हार्ट फंक्शन, लंग्स की स्थिति बताएगा, यानी नर्स की कमी नहीं खलेगी, ना ही पेशेंट से कोरोना फैलने का खतरा होगा। इस खास मेरी रिपोर्ट को दुर्ग बीआईटी की छात्रा आकांक्षा श्रीवास्तव ने तैयार किया है, जो डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच एक कड़ी का काम करेगा। वक्त की जरूरत को समझते हुए इजाद किए इस इनोवेशन को नेशनल अवार्ड दिया गया है।
आरक्षक और प्रधान आरक्षकों को पदोन्नति के लिए होने वाली 800 मीटर दौड़ लगाने में समय को लेकर नियमानुसार छूट मिलेगी। पुलिसकर्मियों के अनुरोध पर डीजीपी डीएम अवस्थी ने छूट दिए जाने के निर्देश सभी आईजी को दिए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत जिले के चॉइस सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटरों में आयुष्मान कार्ड निशुल्क बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया 25 जुलाई से जारी है। यह प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी। कार्ड बनाने के लिए हितग्राहियों को राशन कार्ड एवं आधार कार्ड लेकर चॉइस सेंटरों में जाना होगा। परिवार में देखरेख करने वाला कोई नहीं होने के कारण भीख मांगकर गुजारा करने को मजबूर दो लावारिस वृद्धों को विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर आशियाना मिल गया है। दोनों वृद्ध बीमार अवस्था में जिला अस्पताल में दाखिल कराए गए थे। दोनों का पहले सरकारी अस्पताल में एक एक माह इलाज कराया गया और अब वृद्धाश्रम में दाखिला कराया गया, जहाँ रहकर अब दोनों बुजुर्ग गुजर बसर करेंगे। 178 फर्जी राशन कार्ड मामले में कलेक्टर के निर्देश पर जांच दल ने मामले में जांच पूरी कर ली है। जांच प्रतिवेदन पर नजर डालें तो शासकीय उचित मूल्य की दुकान से दूसरे दुकान में राशन कार्ड ट्रांसफर हुआ है। इसमें विभाग को जांच दल ने क्लीन चिट दे दी है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा ग्राम पीपरछेड़ी को गोद लेने के बाद 14 साल से पानी के लिए तरस रहा है। पानी टंकी बनकर तैयार है। गांव में लोगों के लिए स्टैंड पोस्ट भी लगवाए गए हैं, बस उसमें पानी आने का इंतजार किया जा रहा है। यह सब कुछ गांव के लोग 2007-08 से देख रहे हैं। अब पानी की टंकी को भी खुद मरम्मत की जरूरत है। नवापारा राजीव नगर के महानदी पर बने उच्च स्तरीय बेहाली पुल के जोड़ों पर खुरदुरा व गड्ढे युक्त तथा कई जगह ज्यादा उभार आने से राहगीरों को बहुत परेशानी हो रही है। पुल की लंबाई तकरीबन आधा किलोमीटर है तथा 5.5 लाख की लागत से इसका निर्माण आज से 13-14 वर्ष पूर्व किया गया था। प्रदेश में कोरोना के मद्देनजर गणेश उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार पंडालों में 8 फीट की ऊंचाई वाले गणेश प्रतिमा ही स्थापित किए जा सकेंगे। प्रशासन के इस कदम से मूर्तिकारों में असंतोष है। रायपुर जिले में लगातार सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। सबसे ज्यादा मौतें 25 से 35 वर्ष के बाइक सवार युवकों की हो रही है। पिछले साल की तुलना में मृतकों और घायलों की संख्या इस बार काफी बढ़ी है। वहीं जिले में 2 नए दुर्घटना स्थल भी चिन्हित किए गए हैं। जांजगीर में शराब दुकान और ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाने वाले 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी के इन आरोपियों के कब्जे से 12 लाख रुपए के 16 किलो की चांदी के आभूषण और 7,78,000 रुपए के नगद